ठीक है। ये है लेवेंडर, तो दो स्पीशीज हमारी जो हैं वो लेवेंडर की यहाँ पर हम ग्रो करते हैं, एक लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया और ये लेवेंडुला हाइब्रिड, और दोनों का अलग करेक्टर है कि भाई वो अर्ली फ्लावरिंग में आ जाता है, ये लेट फ्लावरिंग में आता है, लेट फ्लावरिंग में आता है। तो इसका हम जो है हर्बेज, ये कट आपने देखा होगा, कट बजा है, तो ये इसकी जो है ट्विग्स थी, फ्लावरिंग ट्विग्स, और इनको हमने आपका जो है हार्वेस्ट करके उसके बाद हमारे पास वो डिस्टिलेशन यूनिट लगा हुआ, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन यूनिट में डिस्टिलेशन करके और आपको ये 50 केजी का ही ये है इसकी कैपेसिटी है, तो ये आपको ऑयल दे देगा, उसी टाइम आपने निकाला और उसी टाइम आपका जो है ऑयल कंटेंट बाहर आ गया। 1 केजी 2 केजी था कि 1 हेक्टेयर में लेवेंडर लगा के कितना इसमें इनपुट्स हैं और क्या है, इसकी जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ पर केजी है इसकी, इसके मार्केट प्राइस ऑयल का। तो ये हमारे पास है लेवेंडर का, तो ये आप देख सकते हो ऊपर जाके फिर थोड़ा कि भाई ये तो चला रहता है, जैसे मार्च अप्रैल में आप यहाँ पर ग्रोथ होगा, तो इस सेंटोलिना, ठीक है ना, ये भी एक सेंटोलिना जो है, ये भी एक एरोमेटिक क्रॉप, तो ये वाली क्रॉप भी जो है एरोमेटिक क्रॉप जो है, ये आपका ये चलेगा, क्या है ये थाइम होता है, जैसे थाइम है तो थाइम टी करके हम इसको, ये स्पाइस और टी भी, थाइम की भी और ओरिगैनो की जो है वो टी, हाँ यही कट करके और इसको जो है वो थाइम टी में हम इस्तेमाल करते हैं, या टी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमेरी हम आगे दिखाएंगे, और ये आपका जो है इसका स्टीम वो आपको जो है वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर आपको ऑयल करने का है। 50 किलो में कितना मिलता है आपको? ये इसका जो है 1% है इसका ऑयल, 1%, 100 केजी में आपको 1 लीटर 1 केजी निकलेगा, आधा लीटर, हाँ। और उसका जो वो उसका डिस्टिल्ड वाटर है, और उसका जो है लेवेंडर वाटर करके, जैसे रोज वाटर होता है वैसे लेवेंडर वाटर, हाँ। ये जो है इन एरियाज में जो ड्राई एरियाज हैं, टेम्परेचर आपको मिल जाता है? हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाए, क्योंकि ये क्रॉप जो होती है ये हमारे पास अगस्त सितंबर में आ जाता है, अगस्त में जो है अगस्त में, तो उस वक्त टेम्परेचर हमारे पास बहुत अच्छा होता है, 30 डिग्री 32 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर नहीं, ये वाला टेम्परेचर नहीं है, आजकल तो नहीं है ना ये क्रॉप हमारे पास, तो जब हमारे पास ये फ्लावरिंग में आता है तब हमारे पास 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है। और वो भी एपिकल जो कटिंग है, एपिकल्स आप ले लोगे ऊपर वाली कटिंग, उसमें डीप ये करेंगे लीफ को, जो लीफी पोर्शन है वो हम 2/3 में हम उतार देंगे और उसके बाद आप उसमें लगा दो, इजी टू रूट, कोई ऐसे ये नहीं है कि भाई नहीं इसमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, ये इजी टू रूट है और ये आराम से आपको जो प्लांट मटीरियल है वो मिल जाएगा। तो आपका जो 5-6 लाख रुपया पर हेक्टेयर में आप जो है वो आपका बिजनेस हो सकता है, 5-6 लाख रुपीज़ 1 हेक्टेयर में आप इस पर जो है ये, और इसमें हमने ऑयल ही सिर्फ कैलकुलेट किया है, आप वाटर करके जो है वो भी मार्केट में मिलता है लेवेंडर वाटर।
सिल्वीकल्चर है जो ट्रीज के साथ, टिम्बर ट्रीज और दिस है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड तो मैंने वो ब्रेक किया, मैंने नर्सरी पहले खुद ही बनाई ताकि ना मतलब मेरी जो प्रोपेगेशन वो अपना ही निकले अपने, तो उस वजह से वक्त जाया हुआ लेकिन पैसे बच गए। तो उसके बाद फिर अभी मतलब ट्रायल ही है, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं तो, लेकिन मैंने ट्रायल्स के लिए भेजे हैं मुख्तलिफ लोगों को दिए हैं मैंने, ताकि मतलब वो एक फीडबैक ले सकें। तो एक मैं इस एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि जो ये रोज़मेरी है ये असल में जो है यूरोपियन मतलब इसका जो इंस्टिंक्ट है वहीं का है, यहाँ का नहीं है। जो साउथ एशियन कंट्रीज जहाँ हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जायका है इससे मतलब वो आशना नहीं है, मतलब वो उनको ये नहीं कर पाते, प्लीज़ नहीं कर पाते यहाँ पे हम, क्योंकि अक्सर मसाले या ये तो बिल्कुल वैसी चीज़ है। तो अब इसमें है कुछ ब्लेंड करना है आपको, तब जाके आप यहाँ के लोग, अगर आपको यहाँ का मार्केट केटर करना है तो यहाँ आप तब कुछ ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी आपको, इस वैल्यू एडिशन, हाँ वैल्यू एडिशन या ब्लेंडिंग किसी और या कोई और प्लांट मटेरियल जो यहाँ के लोगों के से वाकिफ हो तो आप तब कर सकते हो। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने देखे हैं कुछ प्लांट्स और जोड़े हैं इनके साथ, तो देखते हैं अभी क्या रहेगा आगे। तो अभी मैं उसी में रहने लगा, अलबत्ता वो लेवेंडर भी शुरू किया मैंने, लेवेंडर और ऑर्गेनो, तो देखते हैं अब इंशाल्लाह कहाँ पहुँचेंगे, हो जाएगा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। हाँ वो क्या वो जरूरी होता है, इंसान को खुद भी पता चलता है ना कि कहाँ और कुछ नहीं तो सीखेंगे तो हाँ वही। फिर आपका फेलियर हुआ कुछ जब आपने स्टार्ट किया? हाँ बहुत बार, आप एकदम से सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिलता, आपको एक दो तीन चार चीज़ें ट्राई करके आप फेलियर, इट इज़ द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप बोलो कि नहीं पहले दिन से सक्सेस मिल जाए तो वो सक्सेस आपको कहीं भी नहीं ले जा रही है। जिस दिन आपका डाउनफॉल आएगा उस दिन आप एकदम नीचे आ जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में जो छोटे मोटे फेलियर्स आप तो 99 पे जब आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पे सांप काटता है तो 2 पे आना पड़ता है ना। तो अगर आपका सक्सेस ऐसा है कि आपने कभी फेलियर देखा ही नहीं तो आपका डाउनफॉल ऐसा होगा। यस, तो जो छोटे मोटे चीज़ें हैं बिजनेस में, कुछ रिजेक्शंस, कुछ पैसा इधर उधर डूबना, कुछ गलत क्रॉप्स की सिलेक्शन, कुछ गलत मटेरियल का, लोगों का गलत चयन, तो ये सब चीज़ें आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप सब सीखोगे। ये सारी बातें आपको हर एक चीज़ फुल प्रूफ करके तो मार्केट में कोई भी नहीं ले पाए, वो आप जब करोगे तो आप सीखोगे। जैसे ये बता रहे हैं तो और कुछ इसमें से चलो निकले नहीं निकले, लेकिन इनका जो एक बेस बन गया ना एक्सपेरिमेंट का, वो इनको आगे ले जाए। तो ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ बिजनेस हैं, ये तो होगा ही है ना। तो छोटे मोटे फेलियर्स तो आपको बिल्कुल ओपन आर्म्स करके एक्सेप्ट करने चाहिए कि ठीक है चलो ये सिखा के जाएंगे, है ना। उससे निराश नहीं होना है कि भाई यार ये फेलियर हो गया, ऐसा हो गया। और एंटरप्रेन्योरशिप में आप जब आते हो तो टीथिंग प्रॉब्लम्स आप पहले 5 साल ऐसा गिन के चलो कि हमको कुछ भी नहीं बचना, प्रॉफिट भी नहीं है ना। तो आप तभी सर्वाइव, और मोटिव हमेशा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपको कंसंट्रेट करना है प्रोडक्ट के पीछे, इन्वेस्ट करना है खुद के पीछे, है ना। तो प्रॉफिट को अगर आप बाय प्रोडक्ट बना के चलोगे ना तो आप सक्सेस आएगा आपके हाथ में, नहीं तो पहले दिन से ही अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आपकी क्वालिटी आपके लिए बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। तो
वो सबसे बचना है, क्योंकि हम क्या प्रॉफिट को जोड़ के देखते हैं कि प्रॉफिट, हाँ वो मोटिव है, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेट उस पर तो नहीं होना चाहिए. आपको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपकी, आप खुद में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो. मतलब आप, हम जैसे देखते हैं कि हम कॉलेज पढ़ के फिर एक ग्रेजुएशन लेवल के बाद हम पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. पढ़ना आपको कभी भी नहीं छोड़ना. ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलोगे कि कॉलेज के बाद हम कॉलेज की पढ़ाई करें, वो पढ़ना नहीं होता. आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप अपना रीडिंग स्टडी करना, रीडिंग हैबिट अपना कंटिन्यू रखो. रोज का 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपको पढ़ना है, फिर आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन कंटेंट कैसा, नॉवेल नहीं पढ़ना है, है ना, कुछ कुछ कंक्रीट कंटेंट पढ़ना है आपको. अगर बिजनेस में आपको रिलेटेड, तो आप अभी हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो, जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो आपको कुछ मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आप पढ़ो, आप फाइनेंस को रिलेटेड कुछ पढ़ो, लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेके कुछ पढ़ो. इतने सारे अच्छे ऑथर्स हमारे पास इंडिया के बुक्स हैं, है ना, IIM स्टोरीज़ हैं, जैसे आपने शायद स्टे हंग्री स्टे फुलिश आपने रश्मि बंसल का पढ़ा होगा, बहुत ही 150-200 रुपये का बुक है, लेकिन उसमें 25 IIM की स्टोरीज़ हैं, जो क्यों उन्होंने जॉब नहीं चुना, क्यों उन्होंने ये चैलेंजिंग एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड चुनी, जो कि आपको IIM से ग्रेजुएट होने के बाद आपको 1-1.5 करोड़ के पैकेज इतने ल्यूक्रेटिव लगते हैं. तो आप घर में भी जाओगे तो आपको बोलेंगे कि अरे यार तू पागल है, ये सब चीज़ें छोड़ के थोड़ी कोई धंधा करता है, है ना. तो वो उन सब चीज़ों को ओवरकम करके, और आप उसमें जितनी भी स्टोरीज हैं आप अपने आसपास देखते हो. आपने yatra.com हर किसी ने यूज़ किया होगा, होटल चेन रॉयल ऑर्किड हर किसी ने सुना होगा, रेणुका शुगर हर कोई अपने घर में यूज़ कर रहा होगा, है ना, रेणुका शुगर की शुगर आती है. तो ये सारे नोन स्टोरीज हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये बनी कैसे, है ना. तो उन्होंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से क्रिएट किए, बिजनेसेस कैसे बिल्ड किए, इतनी महंगी जॉब्स, इतनी अच्छी जॉब्स छोड़कर कैसे एंटरप्रेन्योर बने, तो ये सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं. तो आप रीडिंग का हैबिट कभी भी नहीं छोड़ें, कहने का मतलब ये है. यस, वो आप हमेशा कितने भी बड़े हो जाओ, वो हम भी कोशिश करते हैं कि रोज़ का 1-1.5 घंटा पढ़ने के लिए निकालें, पर वो करना ज़रूरी है, वो आपको कभी छोड़ना नहीं है. तो आप हमेशा खुद के पीछे जो इन्वेस्ट करना है वो खुद के पीछे करना है. हमेशा हम लोग घूमने जाते हैं तो आप उसको एज अ लीजर ट्रिप मत लो, कभी कभार सीखने के लिए भी घूमो, है ना. जैसे जैसे मैं यहाँ आ गया तो हो सकता है कि मेरा पर्पस कुछ सीखने का है आप लोगों से, तो आप लोग कभी गुजरात आ गए तो आपको इंडस्ट्री देखना है, वहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं वो देखना है. ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी घूमने वाली प्लेस पर ही चला जाऊँ, है ना. तो आपको घूमना पर्पस पर भी घूमना है कि कुछ सीखने के लिए घूमना है. तो ये सारी चीज़ें खुद को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमेशा करते रहना चाहिए. और आप अगर परफेक्ट रहोगे तो किसी भी सिचुएशन में डल जाओगे, कोई भी काम कर जाओगे. ये सारे एसेंस हैं, मतलब खुद को इम्प्रूव करना. कभी जिस दिन आपने खुद के पीछे काम करना छोड़ दिया तो फिर सक्सेस नहीं आएगा आपको, एक लेवल तक आप सीमित रह जाओगे, है ना. तो लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर कॉलेज ऑल्सो, तो आप वो चीज़ कंटिन्यू रखें ही रखें. और फेल्यूर से कभी डरना नहीं है, क्योंकि जब हम CA पढ़ते थे तो फेल्यूर बोलते हैं कि हमारा पार्ट होता है, कोई भी एक एक अटेम्प्ट में आगे नहीं निकलता है, है ना. तो उन चीज़ों से डर के जो लोग छोड़ देते थे, तो ये वन वे ट्रैफिक है, आप घुस गए तो घुस गए, फिर आपको बाहर नहीं निकलना. तो इन सब चीज़ों को आपको ओवरकम कैसे करना, क्या करना, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, है ना. तो बिज़नेस भी ऐसा ही है, आपको 1-2 फेल्यूर मिलेंगे, हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ उतनी सक्सेस हमको ना मिल रही हो, लेकिन पेशेंस इज़ द की बिज़नेस में, है ना. वो लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है चीज़ें. तो अपने बेसिक्स बहुत सिंपल रखो, फंडा लाइफ का बहुत सिंपल है, तो उसमें आप बेसिक्स को पकड़ के चलो. हमको बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं होना है, हाँ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है उसमें हाईटेक होना है वो होना है. लेकिन लोग क्या एक होते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें करने समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना. हम अपने लाइफ के बेसिक्स को पकड़ के रखना है और उसी को हमको बेस बना के आगे बढ़ना है, तो आपका फिर चीज़ों को देखने का नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा, है ना. तो ये लर्निंग कभी भी छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो हमेशा से. और पढ़ना इतना महंगा नहीं है. अब हम जाते हैं तो 500-1000 रुपये मार्केट में ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, तो आप हर 3-4 महीने में एक हैबिट बनाओ कि आप एक बुक ज़रूर खरीदो खुद के लिए, है ना. ऐसा नहीं है खरीद के रख देनी है, वो 3-4 महीने में कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट डिस्पाइट दैट रीडिंग न्यूज़पेपर 1 or 2 hours इट विल गिव यू राइट एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग और बिजनेस. ऐसा है कि देखो वो एक जनरल नॉलेज है,
वो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर मैं जिस तरह का लर्निंग आपको बोल रहा हूँ, तो वो लर्निंग एक अलग हो जाता है, वो सेल्फ डेवलपमेंट का लर्निंग होता है। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो न्यूज़ देखते हो, दैट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली, कि मेरा दीन दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, दैट इज़ द अवेयरनेस ओनली। पर जो आप ये लीडरशिप की चीज़ें पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, तो वो आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं सिखाएगा। अगर आपको कटिंग्स लेनी है तो यू कैन टेक द कटिंग्स फ्रॉम द एपिकल पोर्शन, ओके, वी आर हैविंग द एपिकल पोर्शन, दिस मच इज 15 सेंटीमीटर, ओके, मिनिमम 15 सेंटीमीटर, देन यू कैन डू वन थिंग, यू टेक ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन्स में भी किया, एंड दिस क्रॉप, दिस स्पीशीज इज वेरी इजी टू रूट। ऐसा नहीं है कि भाई दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू रूट, ठीक है ना, जैसे आपका सेलेक्स है या आपका पॉपुलर है, दे आर इजी टू रूट, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे ये वाली स्पीशीज भी जो है, या लेवेंडर है, तो ये वेरी इजी टू रूट है। तो ये वाला आपको दो ही चीज़ें इसमें प्रोपगेशन में रखनी है, और आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट मीडियाज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट मटीरियल। अपना आपने पहले यू हैव टू गो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दिस प्रोपगेशन में, ठीक है ना। यू डिप दिस इन आइदर ग्रोथ हार्मोन्स में, और एज सच रिमूव द लीव्स, देन यू कैन प्लांट दीज इन टू द रूट ट्रेनर्स और पॉली बैग्स डायरेक्टली। पॉली बैग्स में आपको 2:1:1 रेशियो का जो है वो हमने स्टैंडर्डाइज है, तो 2:1 है, 1:2 सैंड है, और 1 FIM है। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट है या परलाइट है, तो वो कितना हमने रेशियो किया था, प्योर कोकोपीट में भी आपको जो है ना अच्छी रूटिंग आ जाती है। कोकोपीट आपका मार्केट में है, तो उसमें आप जो है ना अच्छी रूटिंग, उसके रूट कंटेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप इनको फॉर नियर अबाउट 3-4 months आप उसमें रख के, उसके बाद आपके इसको जो है आपकी रूटिंग आ गई, देन यू कैन प्लांट इनटू डायरेक्टली इनटू द फील्ड, ठीक है ना। तो फील्ड में हमने जो है ये वाला इसमें कोई भी नहीं है, जिसमें टी गार्डन जैसे होते हैं कि भाई जो हमने यहाँ पर रखा है वो 1 feet का डिस्टेंस रखा है, तो ये आपका ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। 2-3 साल के बाद आपके साथ जो है ये हैज टाइप आपको बन जाएगा, तो ये फैलेगा भी, यहाँ से भी 1 feet जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और आपको इस वक्त स्पेसिंग ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन बाद में आपका जो है स्पेसिंग जो है ये कवर कर लेगा, और ये टी गार्डन्स की तरह पर आप इसका जो है हार्वेस्ट आप उसका लीव्स का ले सकते हैं। तो जब आप लगाएंगे आप देख सकते हो कि भाई इसमें फ्लावरिंग में जो है ये वाला जो है ना, ये 2 साल का प्लांट जो है ये फ्लावर दे रहा है। ये आपको ये ब्लू है, ब्लू टस्कन वैरायटी है, ये ब्लू टस्कन है इसकी अपना रोजमेरी। तो ये वाले जो है ये हमने एज अ बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पर एक रेडी किया है कि भाई ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स हैं कि भाई आप इसको एज अ बिजनेस में आप इस तरह की लैंड अगर आपके पास है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसमें आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, जिसमें आप हॉर्टिकल्चर नहीं कर पाते हो, जिसमें आप ओलोरिकल्चर नहीं कर पाओगे, तो ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इस क्रॉप को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये क्रॉप जो है ड्राई एरियाज़ में आ जाती है, और इसके लिए आपको एक यूनिट है जो आपने डिस्टिलेशन यूनिट लगाया है। ये डिफरेंट कैपेसिटीज़ के आते हैं, ये 50 kg है, 2-5 kg से लेकर 50 kg तक के कैपेसिटी के आते हैं, जिसमें आप ये लगा के उसके बाद आप इसको आप हार्वेस्ट करके आप ऑयल भी निकाल सकते हो, मिस्ट आपका बन जाएगा, और आपको अगर ऑयल नहीं निकालना है तो आपका जो है इसका कट करके आप इसको टी बैग्स में प्रिपेयर करके, और आपके जो इसका पाउडर बना के वो भी आप एज ए स्पाइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इस क्रॉप की इम्पोर्टेंस, और ये क्रॉप किस एरिया में ज़्यादा सूटेबल है, इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पर पानी जमा ना हो, जहाँ पर आपकी कम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो, तो इन एरियाज़ के लिए रिकमेंड करते हैं हम कि ये वाला। आप देख सकते हो इसको, आप ऐसे कीजिए, आप देखो कितना सेंटेड ये खुशबू कितनी अच्छी। कोई अलाइनमेंट ये हमने दी है यहाँ पर, ठीक है ना। यू कैन कीप द, अगर आपके पास लैंड कम है तो इससे कम डिस्टेंस भी आप रख सकते, ठीक है।
हम घर पे भी सर नहीं लेते ना, लाइक अमृत हम लेंगे एक्स्ट्रा, फिर कूटेंगे, फिर अलग बॉटल। टर्मरिक यहाँ पर इनकी उधर जो कच्ची हल्दी मिलती है, तो ये चाय भी चाय का कलर नहीं आ रहा है हर चीज। अगर आप थोड़ी सी हल्दी वाली की, वो हल्दी का पीस, जैसे आप अदरक का पीस काटते हो ऐसे हल्दी का पीस डालो तो आपके कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, तो आप वो वैसे भी आपकी बॉडी में वो एंटर हो जाएगा। किसी हल्दी को आप रखोगे ना, आपको किसी न किसी और आपको किसी न किसी चीज में इसको डालना है, फिर खानी है। ऐसे कैप्सूल आप पानी के साथ लगा दिया। पत्तियां हैं ना, पत्तियां हैं, तो जब आपको पहले कोई पिलाता, अगर वो वही चीज़ आपको कोई पहले पिलाता तो आप पीते क्या? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या डेवलप हो गया है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया इस चीज़ में, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रही हैं अदर लड़कों से। ठीक है, ऊपर आया फैकल्टी? यस सर। आपका